हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम है सुपरवाइजर पोस्ट का, फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट का, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए जो जेके एसएसपी ने एडवर्टाइज करा है, इसकी क्लासेस हम लोग आज से शुरू करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हमारी टीम ने एक कोर्स लॉन्च करा है जिसमें आप लोगों को पूरा पढ़ाया जाएगा। देखो, अभी तक आप लोग अपने अपनी फील्ड में जो ग्रेजुएशन करी है आप लोगों ने, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, जो चीज़ें हम लोग पढ़ते थे, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। हम लोग हमेशा मार्क्स लाने के लिए करते थे, थ्रेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें होंगी, यहाँ पर MCQs बेस्ड पेपर होगा, इसमें एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसको आप लोगों को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। मेन हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग हैंड रिटन नोट्स पर ज़्यादा फोकस रखें या फिर वो नोट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना दें जिससे आपका डायरेक्ट MCQs जो है वो पेपर में आएंगे। इसके अलावा आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो SSS का इस समय चल रहा है वो होगा टेस्ट। आपको ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ऐप पे जो ये कोर्स है उसमें आपको मिल जाएंगी। आप लोग अगर इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब आपको जो क्लास पढ़ाएंगे या पहले यूनिट वन का जो ओवरव्यू देंगे वो सरवत मैम देंगे, तो अब आप जो आवाज़ सुनेंगे वो होगी सरवत मैम की। ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते चलो, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जितने भी हमारी विमेन एस्पिरेंट्स हैं, फीमेल एस्पिरेंट्स, उन लोगों के लिए। हाय एवरीवन, दिस इज सरवत रशीद, वेलकम बैक टू SSS। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं JKSSB सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर के एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसे हम लोग साथ में स्टार्ट करने वाले हैं, एंड आई एम गोइंग टू बी योर ट्यूटर और यू कैन से द एडुकेटर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को आप लोगों के साथ स्टार्ट करने में, क्योंकि एक तो है जिसमें ये भी है कि हम सिर्फ जितनी भी विमेन है वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं साथ में। इसके साथ साथ अभी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो तो मेंशन नहीं किया गया है JKSSB के द्वारा, लेकिन फिर भी हम लोग जो पुराना सिलेबस है जो कि 2018-19 में एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं, एक्चुअली एग्ज़ाम्स पहले भी कंडक्ट नहीं हुए थे, तब जो है पोस्ट आई थी, बट उस टाइम पे विदड्रॉ कर लिया गया था। JKSSB सुपरवाइज़र जो वीमेन सुपरवाइज़र थी इनकी पोस्ट को विदड्रॉ किया गया था, लेकिन सिलेबस जो है JKSSB ने प्रोवाइड किया था एट दैट टाइम, तो हम उस सिलेबस के हिसाब से अपना जो जर्नी है इसे स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आई थिंक इससे पहले सुमित सर ने आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कशन कर ली है और आगे हम लोग इसे कैसे लेकर के चल रहे हैं। मैं आपको PDFs भी प्रोवाइड कर दूंगी, मैं आप लोगों को MCQs भी टेस्ट फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। बट अभी के लिए एज ऑन यूट्यूब मैं आप लोगों को आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने में पूरी हेल्प करूंगी, एंड आई एम श्योर आप लोग इसे अच्छे से अडाप्ट कर पाएंगे। और अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, जो स्टूडेंट्स पहले भी मुझसे पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद अभी जो है वापस स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स आज से 1-2 साल पहले मेरे से पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल रहती हूँ। अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप सीधे SSS का जो हैंडल है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे अपनी किसी तरह के डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं। तो इससे एक हम लोग इनफॉर्मल तरह से लेके चलेंगे, बहुत फॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इनफॉर्मली और बहुत ही इजीली, क्योंकि सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हम आज स्टार्ट करें तो इट्स वेरी लाइक वेरी ऑन कॉन्सेप्ट, हमारा अपना कॉन्सेप्ट है सोसाइटी क्या है। सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, एक जनरल बात करेंगे कि सोसाइटी क्या होता है। सोसाइटी आपके माइंड में क्या आता है जब आप सोसाइटी का वर्ड सुनते हैं? तो सोसाइटी का मतलब है जहाँ हम लोग इकट्ठे साथ में मिल बांट कर रह रहे हैं, उसे हम सोसाइटी कहेंगे। अब जब हम बात करते हैं इकट्ठे, तो हम लोग ग्रुप्स में भी रहते हैं, इकट्ठे तो हम लोग कम्युनिटीज में भी रहते हैं, एसोसिएशंस इंस्टीट्यूशंस में भी रहते हैं। तो आइए हम लोग सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को, जो हमारा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी, सोसाइटी जो है हमारा, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो हमें एरिस्टोटल जी ने कहा था, उन्होंने बताया कि सोसाइटी एक मैन जो है ये सोशल एनिमल है, यानी कि इंसान भी एक एनिमल है लेकिन सोशल एनिमल है। क्यों? क्योंकि उसको सोसाइटी में रहना है, वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। द टर्म सोसाइटी इज ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड सोशियस विच मीन्स कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप, यानी कि सोसाइटी जो है
ये लेटिन वर्ड से निकाली गई है। पहले लेटिन वर्ड क्या, अगर कहीं बार लिखा होता है रोमन वर्ड तो कंफ्यूज नहीं होना। पहले जो है रोमन रोमन जो लैंग्वेज रहती थी वो लेटिन हुआ करती थी, रोमन्स जो थे वो लेटिन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो सोशियस वर्ड जो है इससे पहले सोसाइटी की जगह यूज़ किया जाता था, और सोशियस का मतलब है कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप, यानी कि दो लोगों की दोस्ती या उनका साथ। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि सोसाइटी का मतलब क्या है, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ होते हैं। हमारे पास हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, एक थिंकर हैं, जिनका नाम है जॉर्ज सिमिल। वो कहते हैं, इट्स द एलिमेंट ऑफ सोशियबिलिटी विच डिफाइन्स द ट्रू एसेंस ऑफ सोसाइटी। यानी कि अगर आप सोसाइटी को समझना चाहते हैं तो बेसिकली सोशियबिलिटी ही है एक मेन कॉन्सेप्ट जिससे हम सोसाइटी को समझ सकते हैं। यानी कि मेन जो एसेंस है, मेन जो हार्ट ऑफ सोसाइटी है, वो क्या है, सोशियबिलिटी। अब सोशियबिलिटी क्या है, एक इंसान की दूसरे इंसान से मिलने की, मिक्स होने की क्षमता है ना। हम दूसरे बंदे से कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, उससे कितना मिल बांट रहे हैं, हम दूसरों पे कितना डिपेंडेंट है, वो सोशियबिलिटी होती है। और ये जो सोशियबिलिटी है, बेसिकली दिस इज द मेन एसेंस ऑफ सोसाइटी। ये कहा था हमारे जॉर्ज सिमल जी ने, बहुत ही सिंपल जुबान में, सिमल सिंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोसाइटी। अब सोसाइटी किस तरह की होती है, सोसाइटी एक जैसे हमारे, हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती हैं, है ना। कितने अलग अलग तरह की सोसाइटीज होती हैं, जहाँ पे कोऑपरेटिव, जहाँ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से जुड़े लोग जो मिलते हैं वो सोसाइटी बनाते हैं, उसे एग्रीकल्चरल सोसाइटी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर आके, जैसे अर्बन सोसाइटी है, वी हैव अ अर्बन सोसाइटी, हम अर्बन सोसाइटी में रह रहे हैं, यानी कि कुछ लोग हैं, हम मिल बांट कर रह रहे हैं, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ रह रहे हैं, वो अर्बन सोसाइटी है। हम कुछ लोग हैं जो कि हम गांव में रह रहे हैं, गांव की लाइफ को अडेप्ट किया हम लोगों ने, वो हमारी रूरल जो है सोसाइटी है। समझे आप लोग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी, जो कि मॉरिस जिन्सबर्ग हैं। मॉरिस जिन्सबर्ग ने कहा, अ सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टन रिलेशंस और मोड ऑफ बिहेवियर विच मार्क्स देम ऑफ फ्रॉम अदर्स हु डू नॉट इंटर इंटू दीज रिलेशंस और हु डिफर फ्रॉम देम इन बिहेवियर। अब आपको देखो यहाँ पे थिंकर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ज्यादा एक वेग कॉन्सेप्ट है। मतलब आप इसमें जब आपके साथ एक एसोसिएशन या कम्युनिटी का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो जब आप सोसाइटी पढ़ेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर बात सोसाइटी की हो रही है या फिर बात एसोसिएशन की हो रही है या फिर कम्युनिटी की बात हो रही है। तो इन डेफिनेशन से हमें क्या होता है, एक क्लियरिटी मिलती है, कोई एक ऐसा कीवर्ड मिल जाता है जिससे हम सोसाइटी को दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या कर पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं, मॉरिस जिन्सबर्ग कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसा है कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूनाइटेड बाय सर्टन रिलेशन और मोड ऑफ बिहेवियर, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे है ना कि ये क्या है। लेकिन जब आपको ध्यान होगा कि नहीं, मॉरिस जिन्सबर्ग ने ये डेफिनेशन दी थी, कुछ वर्ड याद रख लेंगे आप, जिन्सबर्ग ने कहा था, तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पे जाके एग्जाम में हेल्प करेगा। और कई बार थिंकर्स भी पूछ लिए जाते हैं, वैसे आई डोंट थिंक यहाँ पर थिंकर्स के बारे में वो कोई बात करेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सोशियोलॉजी एग्जाम, दिस इज अ वेरी जनरल एग्जाम, तो यहाँ पर आपको थिंकर्स का नहीं पूछेंगे, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो सोसाइटी यहाँ पर ये कहता है कि सोसाइटी का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल जो क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं उनके बिहेवियर्स को लेकर के। जैसे मैं बताती हूँ, इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे लिखा है, विच मार्क्स देम ऑफ फ्रॉम अदर्स हु डोंट इंटर इन टू दीज रिलेशन एंड हु डिफर फ्रॉम देम इन बिहेवियर। अब देखो, आपको और मेरा बिहेवियर सेम है, तो हम लोग एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। अब तीसरा बंदा, जैसे क्लास में दो स्टूडियस बच्चे हैं, तो वो साथ में बैठेंगे, डिस्कशंस करेंगे, और उन बच्चों को क्या है, उन्हें फन लविंग नहीं है वो बच्चे, वो सिर्फ स्टडीज में क्या है, इन्वॉल्व है। तो सामने वाला एक बच्चा है जो कि सिर्फ फन लविंग है, उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। अब ऑब्वियस है, जो ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो ये स्टूडियस बच्चे हैं, जिनको फन से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें मतलब खेलना कूदना इतना पसंद नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ा उस फन लविंग बच्चे से थोड़ा दूर रखेंगे, डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारा जो सेट ऑफ बिहेवियर है, हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो मोड ऑफ बिहेवियर है, वो उस सामने वाले बच्चे से क्या है, हमें मार्क्स देम ऑफ फ्रॉम देयर बिहेवियर, ठीक है, कि वो को उनके बिहेवियर से अलग रखता है ना। तो यही ये चीज यहाँ पे कह रहा है कि दो लोग साथ
साथ में वो लोग आते हैं सोसाइटी, उन लोगों का कलेक्शन है जिनका जो मोड ऑफ बिहेवियर है, जिनकी सोच, जिनका रहने का तरीका, जिनका लाइफ स्टाइल जो है एक जैसा है, और दूसरे लोगों से जो कि जिनका बिहेवियर अलग है उनसे वो अलग रहते हैं और उनको वो उनसे डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो दी है जीडीएम कोल ने। जीडीएम कोल ने कहा है, सोसाइटी इज अ कम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस विद अ कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे भी सिंपली यही कहा है कि क्या है सोसाइटी, बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से सिंपली आपने याद रखना है, एक कॉम्प्लेक्स है किस चीज़ का, ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस, मतलब कि ऑर्गेनाइज किए हुए लोगों का जो ग्रुप होता है या इंस्टीट्यूशंस होते हैं कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, लोग जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में रह रहे हैं। प्रोफेसर गिडिंग्स हैं, उनने कहा, सोसाइटी इज द यूनियन इटसेल्फ, द ऑर्गेनाइजेशन, द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर। फाइन, दिस इज नॉट अ पीस, दिस इज, ये कुछ ऐसे मिस यहाँ पर करेक्शन है। फाइन, तो देखो इनका कहना था कि सोसाइटी जो है ये क्या है, एक यूनियन है, एक ऐसा यूनियन है जहाँ पे लोग मिलते हैं, किसकी वजह से, कुछ फॉर्मल रिलेशंस होते हैं लोगों के बीच में, और जो वहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, एक फॉर्मल रिलेशन है जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे मैं आपको सिंपली समझाऊंगी, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गिडिंग ने बोला भाई कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, और यूनियन है एक, सोसाइटी कोई बड़ी बात नहीं है, सोसाइटी एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो फॉर्मल रिलेशंस है, मतलब मेरा घर है, सामने वालों का घर है, उसके आगे वालों का घर है, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तरीके से बात करते हैं, हमारे फॉर्मल रिलेशन है, इतना हम लोग एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं कि भाई ये मोहल्ले में रह रहा है, मुझे इस हिसाब से रहना है कि उसको मेरी वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वो जो सामने वाला घर वाला है वो उस हिसाब का अपने लाइफ को जो है लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेगा कि तीसरे किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो क्या है, एक तरह से फॉर्मल रिलेशंस है हम सबके, कि हमें उनका भी ख्याल रखना है और अपनी लाइफ को भी जो है जीना है, तो इस तरह से हम एक दूसरे के साथ सोसाइटी के अंदर जुड़े होते हैं। इसे कहा है प्रोफेसर गिडिंग ने कि सोसाइटी का मतलब है यूनियन ऑफ पीपल, जहां पर लोग फॉर्मल रिलेशनशिप्स के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। द नेक्स्ट वन इज लेपियर। लेपियर का कहना है, द टर्म सोसाइटी रेफर्स नॉट टू ग्रुप ऑफ पीपल बट द कम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट अराइज अमंग देम। वो कहते हैं भाई सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि लोग इकट्ठे हो गए सोसाइटी बन गई, नहीं, इसका मतलब है कि इंट्रैक्शन के नॉर्म्स, मतलब किस तरीके से, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स। ठीक है, तो क्या रूल्स हैं, किस तरह से जो है वो एक दूसरे से इंट्रैक्ट कर रहे हैं, जो उसको हम कहेंगे सोसाइटी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक पैटर्न ऑफ नॉर्म्स है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म है दैट अराइज बिटवीन इंट्रैक्शन ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंट्रैक्शन दैट अराइज बिटवीन देम। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ऑलरेडी क्या किया हुआ है, एक नॉर्म्स है इंट्रैक्शन के जो है, पहले ही उनको एक सेट करके रखा हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग आपस में इंट्रैक्शन कर रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ सोसाइटी, मतलब कि उस हिसाब से हमारी सोसाइटी बनती है। एंड देन नेक्स्ट वन एंड माई फेवरेट वन इज मैक लेवर। दिस इज मैक लेवर, नॉट मैक कीवर, एल है ये। ठीक है, सो MACLEVER मैकलेवर है। मैकलेवर का जो था कहना क्या था, सिंपली कि भाई सोशल रिलेशनशिप जहाँ पर होते हैं लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक बंदा दूसरे के साथ जुड़ा है, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा है, तीसरा पहले के साथ जुड़ा है, एक वेब बनता है, वो होता है हमारा सोसाइटी सिंपली। और ये सबसे फेमस डेफिनेशन है, द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम लोग। आपको समझ तो आ गया होगा कि सोसाइटी का मतलब जहाँ लोग एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स में है, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं एक तरीके से, दैट कुड बी फॉर्मल, दैट कुड बी इनफॉर्मल, है ना, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है करेक्टरिस्टिक्स। वन सेकेंड, तो हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। वन सेकेंड, ये कहाँ गया। ओके, तो करेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं, पहले नंबर पे आ जाएगा हमारे पास सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। अब लोग होंगे तो सोसाइटी बनेगी ना, है ना, सोसाइटी इज कंपोज ऑफ पीपल। अब विदाउट एक बच्चे के बिना क्लास तो कुछ नहीं है, क्लास में बच्चे होंगे तो टीचर पढ़ाएगा, तो वहां पर क्या होता है, लोग होंगे तो सोसाइटी होगी। फाइन, नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल इंट्रैक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस। अब इस
के बाद ये कहता है नहीं, दिस इज योर सोसाइटी इंटर इम्प्लाइज इंटरडिपेंडेंस, यानी कि लोग जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ऑब्वियस है, ये तो बड़ा अंडरस्टूड सी चीज़ है कि अगर आप बात करो कि फैमिली, जैसे फैमिली है तो इसमें क्या है, बहुत सारे लोग हैं. अब एक बंदा दूसरे पे डिपेंड है ना. अब कुछ फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ बेस्ड अपॉन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन एंड वुमेन. फैमिली किस पे डिपेंड करती है? मैन और वुमेन पे. आदमी अपने काम कर रहे हैं, औरतें अपने काम कर रहे हैं, है ना. तो दोनों का जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है फैमिली के अंदर. इसी तरह से फैमिली जो है सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अब सोसाइटी में एक बंदा दूसरे पे डिपेंड है किसी ना किसी वजह से, दूसरा बंदा तीसरे पे, दिस इज़ वेरी कॉमन. उसके बाद म्यूचुअल इंट्रैक्शन एंड अवेयरनेस. अब म्यूचुअल इंट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि हमें म्यूचुअल इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है. जैसे अब हम सोसाइटी में बात करें, यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे के माइंड को इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है. जैसे अगर मैं आती हूँ, आपसे बात करती हूँ, मैं देखूंगी कि यार ये सामने वाला बंदा जो है मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है. मैं उसके हिसाब से अपना फर्दर जो है उस बंदे के साथ अपना सोशल रिलेशनशिप क्या करूंगी, एक्सीड करूंगी. अगर मुझे लगेगा कि सामने वाला बंदा मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वहां पे हमारा जो है लिमिट हो जाएगी किस चीज़ की, सोशल रिलेशनशिप की. तो सोसाइटी इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है, म्यूचुअल इंट्रैक्शंस पे, कि दो लोग एक दूसरे में से बात करने में टू पीपल आर इंटरेस्टेड और नॉट, ठीक है. ये होता है म्यूचुअल इंट्रैक्शन, यानी कि जहाँ हम एक दूसरे के माइंड को पढ़ रहे हैं कि ये बंदा मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, और उसके बाद हम उस चीज़ को प्रोसीड कर रहे हैं. सिमिलरली इंट्रैक्शंस हो गई, और उसके बाद हो गया हमारा अवेयरनेस. अब अवेयरनेस क्या है? इंट्रैक्शन इज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अवेयरनेस. यानी कि हमें पता है कि सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क तो है सोसाइटी, लेकिन यहाँ पर हमें एक दूसरे की अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि जैसे हम उससे बिहेव कैसे करें. सामने वाला बंदा जो है उसको कौन सी बात अच्छी लगती है, मुझे वही काम करना है ना. इस चीज़ का अवेयर होना ज़रूरी है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जो सोसाइटी के बंदों को बुरा लग जाए, या मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे वो बंदा जो है डिसलाइक करे. तो ये अवेयरनेस का होना भी सोसाइटी के अंदर, सोशल अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. नेक्स्ट चीज़, सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस. अब क्या है लाइकनेस का मतलब हुआ? जैसे कि ना हमारे पास F.H. गिडिंग्स हैं, जिन्होंने अभी पीछे सोशियोलॉजी की डेफिनेशन, सोसाइटी की डेफिनेशन भी दी थी, हमने पढ़ा. F.H. गिडिंग्स, ठीक है, उन्होंने कहा था कि सोसाइटी जो है बेसिकली इट इज़ द कॉल्ड द कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड. इट इज़ द कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, यानी कि कॉन्शियसनेस होती है एक बंदे को कि मुझे क्या करना है, अपने जैसे बंदे के साथ ही रहना है ना. ये तो हर एक बंदे के अंदर होता है. हम लोग स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में भी, इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम क्लासरूम में पहले दिन बात नहीं कर पाते हैं. क्यों? हम लोग ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट होगा यहाँ पर जो हमारे जैसे माइंडसेट का होगा. तो लाइकनेस जो है, सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस, कि दो लोगों की सोच जो है, उनकी लाइकनेस जो है, उनकी पसंदीदगी जो है वो क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए. उसी के साथ साथ इट ऑल्सो रेस्ट ऑन डिफरेंसेस टू. अब डिफरेंसेस भी होने ज़रूरी हैं सोसाइटी में. अब आप बोलो, मैंने बोला मुझे डॉक्टर बनना है, मेरी फ्रेंड ने बोला मुझे भी डॉक्टर बनना है, पूरी क्लास ने उठ के बोल दिया हम सब ने डॉक्टर बनना है, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट. इसी तरह एक सोसाइटी के अंदर आप आओगे, आप बोलोगे मेरे पड़ोसी के बच्चे ने जो है अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, मैंने भी डॉक्टर बनाना है, तो उस सोसाइटी के सारे बच्चे डॉक्टर निकलेंगे. उसके 5 बच्चे होंगे, 5 बच्चे भी डॉक्टर ही बनेंगे, एक होगा वो भी डॉक्टर बनेगा. तो ये क्या हो जाता है, लाइकनेस इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप, आपकी सोच की लाइकनेस होनी चाहिए, लेकिन टेस्ट जो है आप लोगों की डिफरेंट होने चाहिए. तो डिफरेंसेस भी ज़रूरी हैं. एक डॉक्टर होगा, एक इंजीनियर होगा, एक कॉबलर होगा, एक हमारा जो है चौकीदार होगा. तो इस तरह से जो होगा सोसाइटी जो है रन करेगी. आप लोगों के डिफरेंसेस वहाँ पर होने ज़रूरी हैं. उसके बाद कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है. यानी कि एक दूसरे को कोऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइकनेस और डिफरेंसेस जो हैं हमारे जो हैं वो तो एक जगह पर है, लेकिन उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर्स बड़ी ज़रूरी है. यानी कि हम लोग किस तरह से काम असाइन कर रहे हैं सोसाइटी में लोगों को. जैसे मेरा क्या काम है ना, तो वीवर्स होते हैं, स्पिनर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं. अब हर एक का काम क्या है, अलग अलग है. जैसे मैं आपको समझाऊंगी सिंपल सी चीज़, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, काम को डिवाइड कैसे किया गया सोसाइटी के अंदर. अब जो आप कपड़ा धोते हैं, तो आपका कपड़ा धोने वाला कपड़ा धोएगा, वॉशर, ठीक है, वो जाएगा वहाँ से किसी के पास, वहाँ से उसको प्रेस करवा के लाएगा, कपड़ा डाई होगा, कपड़ा प्रेस होगा, कपड़ा आपके पास पहुँचेगा, है ना. फिर उसके बाद जो है आप पहनोगे, फिर आप ऑफिस के लिए निकलोगे, आपका एक अलग काम है. तो हर एक बंदे का, जैसे हम बात करें, जैसे हमारी बॉडी जो है ना, जैसे हमारी बॉडी में हैंड,
नोज, हर एक का अपना एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम सबको अपना अपना काम मिला है, हाथ ने का आँख देखने का काम कर रही है, नाक स्मेल करने का काम कर रहा है, हैंड जो है वो अपना उठाने का काम कर रहे हैं। सिमिलरली जो सोसाइटी है वो भी ऐसे ही वर्क करती है, हर इंसान का अलग रोल है। डॉक्टर डॉक्टर का काम कर रहा है, टीचर जो है वो पढ़ाने का काम कर रहा है, मदर जो है कुकिंग कर रही है, कहीं पे मदर जो है काम कर रही है। तो इस तरह से हर बंदे का क्या है, एक डिवीजन ऑफ लेबर दी गई है कि सोसाइटी के अंदर हर बंदे का काम जो है डिवाइडेड होना चाहिए, और इसमें हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसी तरह से हमारी सोसाइटी जो है, इसलिए सोसाइटी के अंदर कोऑपरेशन और डिवीजन ऑफ लेबर ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़, सोसाइटी इज़ डायनेमिक, ऑब्वियसली नथिंग इज स्टैटिक। सोसाइटी डायनेमिक मतलब इट्स चेंजिंग नेचर, रुकी हुई नहीं है, इसकी चेंज जो है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, एंड चेंज जो सोसाइटी के अंदर है डायनेमिक है, यानी कि चेंज आती रहती है सोसाइटी के अंदर। आज कोई बुजुर्ग वहां पर 90 साल का है, कल को वो मर जाता है, उनने जो रूल्स बनाए थे शायद आगे की जनरेशन वो फॉलो नहीं करेगी, कल के नए बच्चे आते हैं सोसाइटी में, वो जब बड़े होंगे तो वो एक अलग, जैसे हम किसी तरह से हम अलग स्कूल्स में पढ़े हैं, हमारी सोच अलग तरह से डेवलप हुई है, लेकिन आज के बच्चे स्मार्ट क्लासेस में पढ़ रहे हैं, इनकी सोच अलग तरह से डेवलप हो रही है। तो इस तरह से इनने कहा कि सोसाइटी इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट कि सोसाइटी जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी, नो, सोसाइटी चेंजेस विथ टाइम। नेक्स्ट इज सोशल कंट्रोल। अब देखो कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है कंट्रोल करती है इंसान के बिहेवियर को, कैसे, आप लोग अपनी सोसाइटी के हिसाब से, कई बार हम कहते हैं ना यार नहीं नहीं मेरे मोहल्ले में आओगे ना ऐसे नहीं करना यार, लोगों को अच्छा नहीं लगता। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ सोशल कंट्रोल। इन सिंपल वर्ड्स, जो हम सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, दैट इज़ योर सोशल कंट्रोल, कि सोसाइटी आपके जो बिहेवियर है, आपकी सोच है, आपकी रहने के तरीके को जो है सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा क्या करती है, कंट्रोल करती है। फाइन, नेक्स्ट हम बात करते हैं सोसाइटी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है कल्चर का। अब कल्चर क्या है? कल्चर ही है जो मेन हमारी सोसाइटी को डिफाइन करता है। हर सोसाइटी का एक अलग कल्चर होता है, यानी कि वे ऑफ लाइफ होता है, हम लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे शादियाँ कर रहे हैं, कैसे फंक्शंस कर रहे हैं, कैसे लोगों के घरों में आ रहे हैं, कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ आवर कल्चर। सो इट इज़ बेसिकली, लिंटन जो हैं हमारे एक थिंकर हैं, उन्होंने कहा कल्चर इज़ द सोशल हेरिटेज ऑफ मैन, ठीक है। उसके बाद व्हाट डिफरेंशिएट्स वन सोसाइटी फ्रॉम अदर इज इट्स कल्चर, कि वहाँ के लोगों का सेट ऑफ थॉट क्या है, सेट ऑफ लिविंग क्या, वे ऑफ लिविंग क्या है, बिहेवियर क्या है, दैट इज़ द कल्चर ऑफ दैट ग्रुप। और एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, बाय इट्स कल्चर। सो बोथ द टर्म्स गो टुगेदर, ठीक है। आप लोगों को बड़ा आसान लगेगा जब आप ये कॉन्सेप्ट सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा कि सोसाइटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ने का था ही क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, बात हाँ तो हम कर रहे थे कल्चर की बात, तो कल्चर की एक डेफिनेशन और भी आती है जो कि गिलिन ने दी थी, GILLIN, ठीक है। ये वैसे पूछा नहीं जाता इतना, बट स्टिल यू शुड कीप दिस इन माइंड के गिलिन ने कहा था कल्चर इज द सीमेंट बाइंडिंग टुगेदर इनटू अ सोसाइटी, इट्स कॉम्पोनेंट इंडिविजुअल, मतलब कि इंडिविजुअल्स को आपस में जोड़ने के लिए एक तरह का सीमेंट है, बस ये याद रखो, एक सीमेंट है कल्चर जो कि इंडिविजुअल्स को एक सोसाइटी के अंदर क्या करता है, इकट्ठा करता है, इट वर्क्स लाइक अ सीमेंट, ये कहा था गिलिन ने, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा, दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप लोग मुझे ये बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी जो कि हमें दिया गया है, तो मैं वहाँ पर आप लोगों को कम्युनिटी पढ़ाने के बाद सोसाइटी और कम्युनिटी का डिफरेंस भी पढ़ाऊंगी। आप मुझे बताएंगे तब तक कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से सोसाइटी और कम्युनिटी में डिफरेंस क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस होता है सोसाइटी में और कम्युनिटी में, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ेंगे, अभी क्योंकि बड़ा टाइम है, अभी तो फॉर्म एप्लीकेशंस लग रही हैं, अभी तो ये भी नहीं पता कि सिलेबस दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल सिलेबस, बट आई थिंक कुछ चेंजेस हो सकती हैं, बट पूरा सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो आज के लिए हम रखेंगे इतना ही, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, अगर नहीं आया तो मुझे इंस्टाग्राम पे सरवत आर भट्ट के नाम से आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके जिस कोई भी अगर डाउट या कुछ और आप चाहते हैं कि मैं इसमें इंक्लूड करूँ, मैं उसे इंक्लूड करूँगी, और इंशाल्लाह हम लोग धीरे धीरे हम यहाँ पर MCQs भी करेंगे, और एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछती रहूँगी, आप लोग मुझे इसी तरह से आंसर देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।